हे गाइस, वेलकम टू दिशेंडे फोटोग्राफी वेडिंग एल्बम डिज़ाइन क्लास 7। ठीक है, तो अभी मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, ब्राइड और ग्रूम के डीएम कितने होते हैं एल्बम पेज में, एल्बम में, ठीक है, वेडिंग के। तो बहुत सारे नए लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि यार कितने डीएम बनाऊँ या ब्राइड के कितने शीट कंप्लीट डिज़ाइन करूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि वो सब एक क्लाइंट के डिसाइड क्लाइंट पर क्लाइंट के क्लाइंट जो होता है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो क्लाइंट जितना बोलेगा उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले पूछ लेना है। ठीक है, तो वो बोलेगा दो ही चाहिए। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में नहीं लेना। ठीक है, जो वेडिंग के मतलब मैं अभी दिखाता हूँ आपको मैं कैसे लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट में अभी इधर आपको बताता हूँ एल्बम डिज़ाइन तो आपको कैसे लेना है अभी मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, कंप्लीट एल्बम में इधर में देख अभी देख सकते हो आप, इधर इंगेजमेंट मतलब स्टार्टिंग में इंगेजमेंट होती है। ठीक है, अभी मैं फोटो दिखाता हूँ पहले आपको, तब समझ में आ जाएगा। इधर मैंने यूज़ किए तो देख सकते हैं, इधर मतलब घर से निकलते समय ये फोटो है पहले। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो गया था, वो इंगेजमेंट हो गई थी। ठीक है, तो इंगेजमेंट के पहले आपको क्या करना है, एक सीट बना लेनी है। ठीक है, अभी इसके फ़ोटो जो है थे वो बहुत सारे फ़ोटो थे इंगेजमेंट के। ठीक है, तो देख सकते हो आप, इंगेजमेंट के इसके बहुत सारे फ़ोटो थे ये वाले। ठीक है, ये वाले तो मैंने इसका पहले एक सीट बनाया। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, वीडियो को छोड़ के मजा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ी सी ये फ़ोटो बनाया पहले मैंने, जो फोटो बनाया था वो ब्राइड का बनाया। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया, और एक कैसे बनाया वो मेरे पहले बताया आपको क्रिएटिव हमारा जो कोर्स है हमें हमने अपलोड किया है अभी, वो जाके देखो क्रिएटिव सीट कैसे क्रिएट करने हो। ठीक है, उससे देख कर आपको ऐसे आइडिया मिल जाएगी कि कैसे आपको एडिट करना है ऐसे सीट। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, ऐसे सीट लिए। ठीक है, मतलब उसके बाद क्या क्या हो रहा है, उसके बाद ऐसे, ठीक है, ये दोनों के लिए। ठीक है, फिर से इंगेजमेंट की ये ले ली। ठीक है, अभी इंगेजमेंट अभी इधर से स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इनका फ़ोटो लिया, फिर उसके बाद दो सीट बनाई इनकी। ठीक है, ऐसे उसके बाद इंगेजमेंट के इनके ज़्यादा फ़ोटो थे तो ऐसे किया। ठीक है, इंगेजमेंट में ग्रुप फोटो नहीं होते तो आपको सिर्फ कपल के डीएम बनाने और थोड़े बहुत ऐसे बीच में डालने। ठीक है, अभी दिखाते मतलब कितना सीट बनाना है वो आप कर डिपेंड होता है। ठीक है, अभी मैं पूरा एल्बम दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आ जाएगा। और स्टार्टिंग हमने घर से निकलते समय की थी। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधा इस पार्टी के फोटो सीधा हमने उन्होंने सेलेक्ट करके दिए थे मेरे को। ठीक है, तो उसके बाद आपको सीधा ऐसे सीट मिल जाएंगे। ठीक है, दिख रहे हैं। ठीक है, अभी उधर जाके वो सुपारी का वगैरह वर्क होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे दो बड़े फोटो लेने हैं ब्राइड के और ग्रूम के, ऐसे बीच में ला के जो बाकी के हैं वो ग्रुप टाइप इधर लगाने साइड से। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही करना है आपको, दो फोटो ऐसे ग्रुप के दो दो फोटो बड़े। अब उसके बाद होता क्या है देख सकते हो आप, इधर इंगेजमेंट होती है। ठीक है, तो इंगेजमेंट के पहले जो शूट होता है, ठीक है, मतलब कपल का शूट करते हैं फोटोग्राफर, तो उसके पहले ऐसे एक डीएम बनाना है आपको। ठीक है, तो देख सकते हो, तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हो जाके, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ही होगा, लेटेस्ट में जाता हूँ। ठीक, और देख सकते हो इधर है इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, अभी इधर इधर हमने बनाया है ये मिक्स बनाए। ठीक है, अभी तो इधर इनके फ़ोटो ज़्यादा थे लेकिन इनको सीट कम ही चाहिए थे। ठीक है, तो हम मिक्सिंग बनाया। ठीक है, अलग ब्राइड का बनाया नहीं है। ठीक है, इंगेजमेंट के पहले। ठीक है, अब आगे निकल जाते। ठीक है, अभी ऐसे एक बनाया इंगेजमेंट में रिंग सिरेमनी के समय दो फोटो लगा कर बनाए। ठीक है, उसके बाद हल्दी के लिए। ठीक है, हल्दी का भी एक मिक्सिंग नहीं लिया क्योंकि इनके फ़ोटो ज़्यादा कम थे और इनको सीट भी थोड़े से कम चाहिए थे। ठीक है, तो हम ज़्यादा कर नहीं सकते, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा तो आप इधर दो सीट कर सकते हो, एक ब्राइड का
और एक ग्रूम का, हल्दी का, ठीक है, कुछ इस तरह से। नहीं तो आप ऐसे मिक्सिंग करके ग्रुप के यूज़ कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो ये भी अच्छे लगते हैं कुछ इस तरह से। अभी इधर फिर से आपको लास्ट में एक हल्दी का लेना है, ठीक है, इस तरह से एक बड़ा पिक्स करके। उसके बाद जो आता है जो डांस का वगैरह का होता है, ठीक है, वेडिंग से पहले जो फाइनल सेरेमनी होती है उधर, ठीक है, तो कुछ इस तरह से फिर से उनकी एंट्री हो जाती है हॉल में, ठीक है, तो उसका एक लेना है आपको। फिर वेडिंग के समय एक लेना है, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद आपको ग्रुप पर लेना है, ठीक है, ग्रुप के फ़ोटो कैसे एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। अभी हमारे डीएम कितने हो गए आपको पता चला होगा, ठीक है, मतलब वेडिंग के पहले आपको एक डीएम बनाना है, उसके बाद एक बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब कोई भी एंगेजमेंट की सेरेमनी हो उसके पहले आपको एक डीएम बनाना है, ठीक है, जो मिक्सिंग हो या सिंगल हो वो कस्टमर के हिसाब से होगा, आप उनको पूछ कर बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एल्बम हमें बता था आपको, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो एक मिनट गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी इधर पहले ब्राइड का था, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले इधर देख सकते हैं आप ब्राइड का लिया मैंने लास्ट में, ठीक है, उसके बाद भी एक ब्राइड का लिया, ठीक है, उसके बाद फिर मिक्सिंग का लिया, फिर से एक मिक्सिंग का लिया, ठीक है, फिर से एक ग्रूम का लिया, ठीक है, फिर से एक मिक्सिंग का लिया, ठीक है, दो मिक्सिंग लेके गया करते गए, ठीक है, ले लिए मैंने। और पहले पहले दो ब्राइड के लिए, ठीक है, और एक ग्रूम का लिया, ठीक है, क्योंकि ग्रूम का फोटो कम थे और ये एल्बम ब्राइड की तरफ से था, ठीक है, तो ब्राइड के पेजेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा कि कैसे डीएम बनाते हैं ग्रूम और ब्राइड के, ठीक है, तो इसके ट्यूटोरियल आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल इधर देख सकते हो, ग्रूम का है, इधर देख सकते हो ब्राइड का है, इधर मिक्सिंग का है, ठीक है, इधर फिर से ब्राइड का है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्यूटोरियल देख के डीएम बना सकते हो, जो कोई भी सेरेमनी हो एंगेजमेंट के पहले आपको एक सीट बनाना है पहले, ठीक है, ग्रूम या ब्राइड का, मतलब मिक्सिंग ही बनाओ कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कस्टमर ने बोला दो चाहिए तो दो बनाओ, आप उनसे पूछ सकते हो, नहीं तो फोटो के हिसाब से, नहीं तो आप एंगेजमेंट के समय पहले रिंग का ले लो, ठीक है, उसके बाद मिक्सिंग ले सकते हो ऐसे ब्राइड और ब्राइड के और ग्रूम के फोटो, ठीक है। तो आज के फोटो में हमने इतना ही बताया था आपको, ठीक है, तो ग्रूम और ब्राइड के अलग अलग वीडियो होने वाले थे, तो मैंने इसका एक ही बनाया, ठीक है, तो वीडियो छोटा होने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके कारण आप एक ही फ़ोटो में ये एक ही वीडियो में समझ में समझ ले सकते हो, ठीक है, ब्राइड के और ग्रूम के कितने फ़ोटो आपको करने ऐसे, ठीक है, फोटो मतलब डीएम कितने चाहिए ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइज बाय बाय, और अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे वो भी जाके देख लो, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है।